वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तानी फौज ने 45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन डकार ली। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तानी फौज ना लड़ने के अलावा सब कुछ करती है, इलेक्शन ये करवाती है, ठीक है, सरकार ये बनाती है, सरकार ये गिराती है, भारतीय सेना के सामने सरेंडर ये करती है, यानी कि फौजियों टाइप की इनकी कोई हरकत नहीं है। जो फौजियों की हरकत होती है ना टिपिकली, जब आप अपनी आंखें बंद करिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप पाकिस्तानी आप लोग नहीं, इंडियंस आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, हमें आपको बंद करनी है। आप जब फौजी कहते हैं तो आपको क्या लगता है, बॉर्डर पे होगा, सिपाही होगा, आंखें बंद? मैं ऐसे बता देती हूँ, देश के लिए मर मिटने को तैयार। और ऐसे हाथ रख के सोचिए, फौजी है, बॉर्डर पे है, लड़ रहा है, बर्फ है, आंधी है, धूल मिट्टी है, या फिर रेगिस्तान में है, तपती गर्मी में रेत में खड़ा हुआ है, भूखा प्यासा, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, एक जज्बा कि मुझे देश के लिए कुछ, यही आपकी इमेजेस आती होंगी। पाकिस्तानी फौज के बारे में जब आप सोचते हैं, अब आप बताइए आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं? टू बिलो अस, यही उन्होंने कर दिया। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि भाइयों ने अभी लेटेस्ट कांड क्या करा है, आप सुनेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। ये है, दी केयरटेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज साइंड एन अग्रीमेंट टू हैंड ओवर एटलीस्ट 45,267 एकर्स ऑफ लैंड इन थ्री डिस्ट्रिक्ट्स, भक्कड़, खुशाब एंड साहिवाल ऑफ द प्रोविंस टू पाकिस्तान आर्मी फॉर कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये क्या होती है भैया? यानी कि फौज है, फौज ने ये डकार लिया। अब फौजी कह रही है कि नहीं साहब, ये जमीन हमने नहीं ली, ये तो लीज पे है, ये कुछ नहीं है। एक बार फौजी चला गया वहां पे, पाकिस्तानी आर्मी, ये जमीन छोड़ने वाले लोग हैं, ये पर गया क्यों है? तो ये समझेगा उगाना क्या उन्होंने, करेंगे एग्रीकल्चर और खुद कमाएंगे पैसे। टेक्नोलॉजी है नहीं भाई, पाकिस्तानी आर्मी में इतनी अकल होती तो बोलती हम आईटी का कैंपस बनाएंगे। 45,000 एकड़ कम जमीन होती है? आप कहते हैं 45,000 एकड़ चाहिए नहीं हमें, कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में हमें सिर्फ 10 एकड़ चाहिए, और उस 10 एकड़ के अंदर हम एक बहुत बढ़िया आईटी सॉफ्टवेयर पार्क बनाएंगे। ये नहीं करना, इन्होंने जमीन घेर ली। आर्मी कब से पार्क बनाने लगे? कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर करेंगे, आईटी नहीं बनाएंगे। ये 20 फरवरी 2023 का एक लेटर है पंजाब गवर्नमेंट का, और ये कहता है कि भाई जो फौज है यहाँ पे चीजें उगाएगी, खेती बाड़ी करेगी, और ये कह रहे हैं ये देखिए फ्रॉड, पंजाब की जमीन है। पहली बार मैं अपनी जिंदगी में सुन रहा हूँ कि पंजाब की जमीन जो है वो जरखेज नहीं है, वो फर्टाइल नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ। उसको फर्टाइल बनाएगी। तो पंजाब में पोस्टिंग रह चुकी है, और पंजाब के बारे में फौज में हम लोग आर्मी में क्या बोलते थे, पोस्टेड इन पंजाब, मेरे सीनियर ऑफिसर्स कहते थे कि पंजाब की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पे ना चलते फिरते ऐसे ही फेंक दो, कुछ कुछ फेंक दो, फर्टाइल है, उससे फसल उग जाती है, पेड़ उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं। पाकिस्तान वाले वहां जाके वहां वो बेचारी मिट्टी भी खत्म हो गई होगी। फाइव रिवर्स, जहां पे पानी बहता है, जहां पे फर्टिल, मतलब एवरीथिंग इज देयर, तो क्यों नहीं भाई? ये कह रहे हैं बंजर जमीन है। इन्होंने 45,000 से ज्यादा एकड़ जमीन को बंजर घोषित करके टेक ओवर कर लिया। अब फौज उसको करेगी, चलाएगी। लेकिन मैं आपको ना दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो सुन के आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने फिर कश्मीर वाला एक फायर कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे ये इन्होंने बांसुरी बजा दी। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, बिलावल भुट्टो जो है ना बार बार यार कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मैं बिलावल एक बात बताओ बेटा, मेरे बच्चे एक बात सुन, कश्मीर तुम्हारे दिल के बड़ा करीब है। जमान पार्क कहाँ है, पाकिस्तान में है कि कश्मीर में कि फिलिस्तीन में? कहाँ है जमान पार्क? जमान ये फोटोग्राफ देखिए साहब, इमरान खान बैठा है टेबल पे और पूरा यहाँ पे टियर गैस शेल्स का एक छोटा सा पहाड़ बना रखा है। इतनी सारी इसके घर पे हुई थी, मारा मारी चल रही है, मारा काटी चल रही है, हजारों लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं,
टीयर गैस के शेल्स हैं, वाटर कैनन है, लाठी चार्ज है, दे मार दे पीट। ये पाकिस्तान के लाहौर शहर में हो रहा है, जमान पार्क लाहौर में आए हैं बचाने उसे। पीटीआई के सपोर्टर्स ने बिल्कुल घेर लिया इमरान खान को, ये हमारा लीडर है, इसका बाल भी बांका हुआ तो पूरे मुल्क में आग लगा देंगे। उसने सबको बुला लिया। ये कश्मीर करा, अरे कश्मीर तो बहुत ठीक है यार, तुम अपना जमान पार्क तो देखो। और पाकिस्तानी ये क्या करता रहता है भाई, आप जमान पार्क में आग लग रखी है, पाकिस्तान में आग लग रखी है, लोग शहर शहर में बाहर निकल रहे हैं, बोले निकलो बाहर, इमरान को बचाओ, चाहे देश को आग लगानी पड़े, मुल्क को फूंक डालो, लेकिन इमरान खान को बचाओ। आज की तारीख में सब कुछ जला डालो, लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्लो रानी कह रहा है कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, इसका कश्मीर करा गया। लोग भी कहते हैं भिखारी आगे चल यार, हट आगे चल, आगे चल, ऐसा कर दिया बिल्लो को। बिल्लो मान के राजी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने एक बार इंडियन को भी करना चाहिए, सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चल रहा है, उतनी होती है जितनी महसूस हो। ये लाहौरी माइंडसेट है, बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस हो। वो महसूस ही नहीं करता बेइज्जती यार, कोई भी नहीं करता। आपको डिलीट कर दो ही करके वापस निकल जाएगा, फिर आ जाएगा पैसे मांगने के लिए। ये कर रहा है कश्मीर का रिएक्शन चैनल वाले भी यही करते हैं, अपनी बेइज्जती देख के हंसते हैं। अब एक और चीज है जिसको बोलते ना कर्मा, अंग्रेज कहते हैं कर्म को, कहते हैं कर्मा, कर्मा इज वेरी डेंजरस। कर्मा से क्या हुआ, जो चोर उचक्के कश्मीर में, जिनका नाम था हुरियत कॉन्फ्रेंस, सैयद अली शाह गिलानी, चोर उचक्के डकैत ब्लैकमेलर हाईजैकर क्रिमिनल्स, द वर्स्ट क्रिमिनल्स, जिनको पैसा दे के पाकिस्तान, जिनको पैसा दे के पाकिस्तान यहां पे नारे लगा रहा था, भारत में नारे लगवा रहा था, आजादी आजादी हमें क्या चाहिए, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी आजादी आजादी, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब वही नारे पाकिस्तान के अंदर सुनाई दे रहे पीओके में, वही नारे पाकिस्तान के अंदर सुनाई दे रहे हैं, सुनिए नारे। इन्होंने वहां पे करा था इंडिया में, क्या करते हैं ये पाकिस्तानी देखा, वही वही वर्डिंग्स वैसे ही देखा, मजा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अब तो बड़ा कश्मीर में आजादी आजादी कर रहे थे, कश्मीर में तो 5G चल गया और तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया। बट वेरी नाइस। मैं कहता हूँ कि यार जब ज्यादा खुराक होती है ना, ज्यादा खुजली होती है, तो खुजली बहुत कुछ लेकर जाती है। पाकिस्तानियों को बहुत खुजली पाकिस्तान आज भी है, कश्मीर दिल में इनकी खुजली। कश्मीर और फिलिस्तीन को छोड़ दो, जमान पार्क को बचा लो, अपना बचा लो, किसी तरीके से हाथ से निकलने वाला है तुम्हारे, जल्दी निकला। वहां पे गिलगित बाल्टिस्तान की पुलिस, क्योंकि वहां पे इमरान खान का राज है उसकी पार्टी का, उसने पुलिस बुलाई, गिलगित बाल्टिस्तान की पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर, लाहौर पंजाब में आता है, लाहौर पुलिस के ऊपर उसने हथियार तान दिए। वहां पे पुलिस के आपस में जूता लाद चल रही है, इंटरेस्टिंग। पुलिस वाले एक दूसरे पे हथियार तान रहे हैं, वहां पे जूता लाद चप्पल चल रही है पुलिस वालों के बीच में। ये क्या कर रहा है, ब्रेक डांस, मजा आ रहा है, फेंक रहा था क्यों पाकिस्तानियों, स्वाद आ रहा है, हैं? ठंड पे आ गई है जी, मजा आ रहा है। बड़ा कह रहे थे कश्मीर में आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं, गिलानी साहब नारे लगा रहे हैं, हैं हैं हो गया सब, अब जाओ तुम बचाओ जमान पार्क को। मैंने बोला ना, मैंने ये पॉइंट लिखा यार, बड़ा आप सोचो, खुद सोचो यार, जो कह रहे थे कश्मीर को आजाद होना है, अब वो लोग कह रहे हैं कि हम खुद ही आजाद नहीं है, वरना हकीकी आजादी क्या होती है। इमरान खान ने जो नारा दिया हकीकी आजादी, जिसकी कसमें करोड़ों पाकिस्तानी खाते हैं, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान कबूल करता है वो खुद गुलाम है, तभी तो असलियत, असली आजादी, हकीकी मतलब असली, असली आजादी का नारा इमरान खान ने दे रखा है। क्यों इमरान खान ने असली आजादी का नारा दिया भाई, क्या पाकिस्तान आजाद मुल्क नहीं है, क्या तुम गुलाम हो? इमरान खान इमरान खान ये कहता है कि भाई तुम गुलाम हो, तुम्हें आजादी चाहिए, तो भाई एक गुलाम दूसरे को कैसे कह सकता है, सो कॉल्ड एक गुलाम दूसरे को कैसे कह रहा है कि भाई तू आजाद, पहले तू खुद आजाद हो जा। तुम्हारा सबसे बड़ा लीडर, सबसे कद्दावर लीडर, सबसे टॉप का लीडर पाकिस्तान का, इमरान अली खान नियाजी, ये कह रहा है कि पाकिस्तानी कौम गुलाम कौम है, उसको मैं आजाद करूंगा। पहले क्यों नहीं थी? उसको मैं आजाद करूंगा, ऐसा इमरान खान बोल रहा है, इसका मतलब तुम लोग तो गुलाम हो।
अबे जब तुम खुद गुलाम हो तो तुम दुनिया भर को आजादी सो कॉल्ड कैसे दिला सकते हो यार, पहले खुद तो आजाद हो जाओ। खुद शर्म नहीं आ रही तुम्हें दुनिया भर को आजाद करने में लगे हो लाहौरी चूरन। एक चीज है जिसके बारे में मेरे पास प्रेस की कटिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों ये मेरे एक मन की बात है, मोदी जी की मन की बात है। ऐसा लगता है कहीं ना पाकिस्तान की जो ये सरकार है, पाकिस्तान की सरकार आर्मी चीफ के आशीर्वाद से कहीं ना, अब देखिए मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूं, कहीं आप बोलेंगे मेजर साहब ये मेरी थिंकिंग है, और मैं पहले एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये मेरी थिंकिंग है। मुझे लगता है ये अपने न्यूक्लियर असेट्स की डील कर चुके हैं पाकिस्तानी, कर चुके हैं यार। जब कोई न्यूक्लियर असेट तो मुल्क के होते हैं ना, जब ये अपने मुल्क की डील कर चुके हैं तो न्यूक्लियर असेट कौन सी बड़ी बात है। ये बार बार जो कहते हैं ना कि हम न्यूक्लियर असेट के बारे में कभी डील नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर, मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं करेंगे, वो आई थिंक मैकबेथ है, क्वीन गर्ट्रूड का मुझे याद है, वो कहती है वो उसमें एक सीन है वैशी सेज द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक्स, जिसने विलियम शेक्सपियर पढ़ा उसको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर द रेफरेंसेस फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। ये इतना ज्यादा जब कोई बोलता है ना, इतना ज्यादा जब कोई बोल देता है, जब कोई बार बार जोर जोर से कोई चीज बोल रहा है इसका मतलब झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ लोचा है। जैसे उदाहरण के लिए जो कश्मीर है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, ये तो बोलते हैं, पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, मैं तो वही सोच के हैरान होती जब मैंने पहली बार सुना, ये क्या कश्मीर भाई, आपने आजाद लंदन, आजाद पेरिस, आजाद न्यू दिल्ली, आजाद चेन्नई, आजाद बेंगलोर, आजाद बॉम्बे, या कोई कोई भी आजाद कैलकटा आपने सुना है, कभी नहीं सुना ना, गिरफ्तार पाकिस्तान सुना, या आजाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आजाद कश्मीर क्यों, वही चीज है। साइकोलॉजिकली देखिए, जो सबसे बड़ा गुलाम होता है वो अपने आप को कहता है कि मैं भाई मैं तो हूं ना, मैं तो आई एम टोटली फ्री और मैं दुनिया को आजादी दिलाऊंगा, आप खुद सोचिए। तो ये इनके न्यूक्लियर असेट्स की मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ये नहीं बात कह रहा, कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अमरीका के साथ, क्योंकि बहुत अमरीका के साथ, जिन्ना के बाद जितने भी आए, लियाकत अली खान गया था कटोरा लेके पहली बार वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना, उनका पहला प्राइम मिनिस्टर उसको गोली मार दी थी, तब से इनकी आदत है भीख मांगने की, 45 साल से मुल्क भीख मांग रहा है यार, अच्छा कह रहे पैसा भीख मांग कर लिया, अब अमेरिकन कह रहे हैं यार तुम एक तरफा भीख मांगते हो कभी कुछ करते नहीं, अब इनके बाहें मरोड़ रहे हैं, और बाहें इनकी ऐसी मरोड़ी है कि हाथ जो है ना सॉकेट से निकाल दिया पाकिस्तान का। IMF क्या है, IMF is nothing but the United States of America, और क्या IMF? तो कहने का IMF यार, it is US, और US इनकी बाहें मरोड़ रहा है, ये जितने भी ये बहुत चतुर बनते थे ना, ये बहुत ज्यादा चतुर बनते थे, लोमड़ी चालाक पाकिस्तानी, हमारे को खुश कर रहा है, ये कर देंगे हम, तालिबान को ट्रेन कर देंगे हम, ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे, इनको ऐसा कर दिया कि घर में इनके टमाटर प्याज नहीं है। गुड, इन्होंने बहुत गद्दारी करी है, डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट है, इसके ऊपर आप जाके इंटरनेट पे देखिए आपको ट्वीट मिल जाएगा, जहां पर उन्होंने बोला है डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान, जब समझ लीजिए कि तालिबान के साथ अमरीका लड़ रहा था, दोनों पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, अमरीका भी पाकिस्तान को गाली दे रहा है और तालिबान भी पाकिस्तान को गाली दे रहा है, और सब एक ही वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए, धोखेबाज, कहते हैं लोग धोखेबाज हैं, यू कैनॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यू कैनॉट ट्रस्ट, they will betray you at the first opportunity, और ये इस बार इन्होंने धोखा अमेरिका है तालिबान के साथ नहीं करा, इस बार धोखा अपनी कौम के साथ करा, ये न्यूक्लियर एसेट्स के साथ इन्होंने फेंक दिया। इन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि अगर वर्स्ट केस आ गया, हम कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकते, कभी ये नहीं हो सकते, हम हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफ़ी से चल रही थी, काफ़ी समय से वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसके वजह से हम कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकते, उसको बेच देंगे, ये कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वही लग रहा है, बट वी डोंट नो इंटरनली क्या हुआ है, और मतलब सिचुएशन तो उनकी काफ़ी ख़राब ही लग रही है, एंड वी डोंट नो क्या चल रहा है। इमरान खान जो है वो तो कहते ही हैं कि मतलब अपने पूरे देश को लड़ा देगा अपने लिए, वही हो रहा है, ऐसे कमाल के लोग हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लीडर को कुछ नहीं होने देंगे, हु नोज क्या चल रहा है। और वो बड़ी हैरानी की बात थी कि वहाँ पे गिलगिट में वहाँ की जो पुलिस है वो दूसरी पुलिस से लड़ रही है इमरान खान को बचाने के लिए, तो वही है भैया सिचुएशन बहुत ही ख़राब है कि लोग जो है एक लीडर के पीछे भाग रहे हैं, वो अपने लीडर के पीछे लोग भाग रहे हैं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।